टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का सुशांत सिंह राजपूत से खास कनेक्शन था। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई के बांद्रा में स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुशांत की खबर सुनकर बॉलीवुड और खेल जगत सन रह गया था। विराट कोहली और रोहित शर्मा से लेकर शिखर धवन तक तमाम क्रिकेटरों ने सोशल मीडिया के जरिए सुशांत को श्रद्धांजलि दी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। धोनी की बिजनेस मैनेजर और अच्छे दोस्त अरुण पांडे ने बताया कि धोनी भी इस खबर से बहुत उदास है। 2016 में धोनी की बायोपिक MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी आई थी और इस फिल्म में सुशांत ने ही धोनी का रोल निभाया था। धोनी के रोल की तैयारी के लिए सुशांत ने उनके साथ काफ़ी समय भी बिताया था। अरुण पांडे ने कहा, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है जो कुछ भी हुआ है। मैं अपना दुख व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हूं। माही भी बहुत उदास है, ये काफ़ी दुखद घटना है। धोनी की बायोपिक सुशांत के करियर की सबसे बड़ी हिट भी थी। अरुण पांडे ने कहा, सुशांत महज 34 साल का था और शानदार करियर उसका इंतज़ार कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। सुशांत ने पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे की देखरेख में प्रैक्टिस की थी। उन्होंने बताया था कि विकेट कीपिंग कैसे की जाती है, जो माही का रोल निभाने के लिए बहुत ज़रूरी था। अरुण ने कहा, मुझे आज भी याद है कि सुशांत को प्रैक्टिस के दौरान साइड स्ट्रेन हो गया था, उसके बैकबोन में क्रैक भी आ गया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था। रिहैब में उसने काफ़ी मेहनत की, एक हफ्ते में वो फिट हो गया। माही काम के लिए उसका डेडिकेशन देखकर काफ़ी प्रभावित हुए थे। सुशांत और धोनी ने मिलकर इस फिल्म का प्रमोशन किया था।